रिजल्ट का। हालांकि मतदान के दौरान सभी पार्टियां किसी से कम नजर नहीं आ रही, लेकिन सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर देखने को ज्यादा मिल रही है। लेकिन जब आखिरी चरण का मतदान हुआ तो तस्वीरें साफ होने लगी और एग्जिट पोल में आए नतीजों में बीजेपी सपा पर भारी नजर आने लगी। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों की बात करें तो कई सारे सवाल जनता पर उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी का हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का दांव विपक्षियों के सारे मुद्दे पर हावी हो गया। तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी का हिंदुत्व वाला दांव विकास के सारे मुद्दों को पछाड़कर बीजेपी को सत्ता का सरताज बनाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। सवाल तो बनता है, क्या जनता को नहीं चाहिए 300 यूनिट फ्री बिजली? क्या जनता को नहीं चाहिए 5 साल फ्री राशन? क्या नहीं चाहिए पुरानी पेंशन की बहाली? क्या युवाओं को नहीं चाहिए रोजगार? क्या शिक्षकों को नहीं चाहिए भर्तियां? क्या महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी पड़ गए हैं फीके? क्या हिंदुत्व यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा? यूपी विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जनता ने किस मुद्दे पर वोट किया है। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद हिंदुत्व भी उभर कर सामने आने लगा है। एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत दिखाई गई तो विपक्षियों ने सीधे मतगणना केंद्र पर ही निगरानी करनी शुरू कर दी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल के नतीजों को गलत ठहराते हुए कहा कि बीजेपी एग्जिट पोल के जरिए अपना एजेंडा सेट कर रही है जिससे मतगणना में धांधली की जा सके। कोई ईवीएम को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? यूपी विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी साख दांव पर लगा दी है और ऐसे में अगर कोई विशेष पार्टी एग्जिट पोल में आगे निकलती है तो सवाल उठना लाजमी है। हालांकि सीएम योगी से लेकर अमित शाह और पीएम मोदी तक चुनाव प्रचार में उतरकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र करते नजर आए थे। यही नहीं, बुलडोजर तो सिंबल की तरह इस्तेमाल होने लगा था। वहीं सत्ता पर फिर से काबिज होने के लिए बाबा योगी भी खुलेआम समाजवादियों को आतंकवादियों से जोड़ते नजर आए थे। योगी आदित्यनाथ पूरे प्रचार के दौरान कहते नजर आए कि कानून का राज हमारी प्राथमिकता है। 56 लोग मारे गए थे आतंकी घटना में, सीरियल ब्लास्ट में। अहमदाबाद की कोर्ट ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है, 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेकिन जो ये आतंकवादी फांसी की सजा प्राप्त हुए हैं, आजीवन कारावास हुआ है, इनमें से 9 का संबंध उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में से 7 आजमगढ़ से है। अब फिर से बात एग्जिट पोल की ही करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे यह बात साफ हो गई है कि बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एजेंडा सफल रहा। वहीं सवाल यह भी है कि इन दोनों भावनात्मक मुद्दों के आगे क्या महंगाई, कोरोना, मिसमैनेजमेंट, आवारा पशु, बेरोजगारी और गरीबी जैसे विपक्षी पार्टियों के मुद्दे फीके पड़ गए हैं। फिलहाल मतगणना होने के बाद ही ये सारा किस्सा साफ हो सकेगा कि कुर्सी का असली हकदार कौन है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही।